बाकी यह कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है, लेकिन अब कांग्रेस वो नेहरू और इंदिरा जी का कांग्रेस नहीं रहेगी। अब इनके पास न तो नेता है, न कार्यकर्ता है, न इनके पास जनता है। अब ये बाहर से खरीदे हुए लोग, लालच से लाए हुए और ऐसे नेताओं का जमावड़ा बन गया है जहां न इनकी कोई नीति है और न कोई रीति है। अब यह सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ भाषण देकर मीडिया में छाया रहना चाहती है, जिससे कि जनता बरगला जाए ना। इनको ये भी जान रही है, कांग्रेस जानती है कि अब इनको वोट भी मिलने नहीं जा रहा, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। लेकिन जब कंफ्यूजन की स्थिति को कायम करना अब कांग्रेसों का एक सगल बन चुका है, जिसे जनता खूब जान रही है, खूब पहचान रही है। और आने वाले 2019 के चुनाव में जब ये सफाया होंगे, तब इनको पता चलेगा कि इम्पोर्टेड नेताओं के भरोसे कभी भी जनता का सेवा नहीं किया जा सकता। कि बाहरी कौन, हिंदुस्तान के लोग हैं कि नहीं हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं कि नहीं हैं, किस पार्टी से कौन ताल्लुक रखता है, यह मतलब नहीं है। लोगों का जब रुझान बढ़ा है कांग्रेस के प्रति, तो निश्चित रूप से लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और जो भी कांग्रेस में आएगा, चाहे वो किसी भी दल का होगा, उसको महत्व मिलेगा। कांग्रेस पार्टी महत्व देगी, इस बात के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं कि कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, जब लोग बाहर से आएंगे, जब दूसरे दलों से आएंगे और हम उसको गले नहीं लगाएंगे, तो हम कैसे ये उम्मीद करेंगे कि जो लोग हर बार, देखिए कल तक हमको कांग्रेस को लोग वोट देते थे, बीच में लोगों ने भाजपा को दिया, फिर कल कांग्रेस को देने की तैयारी कर रहे हैं। तो लोग दल बदल रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि पिछली बार आपने भाजपा को दिया था, इस बार आप कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं पार्टी में, उन सबको पूरा सम्मान देने का काम कर रही है पार्टी। चाहे जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगी, उन सभी लोगों का सदुपयोग किया जाएगा।